पढ़ने जा रहे हैं अरब रेवोल्यूशन या फिर अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के बाद हम मतलब एक छोटी सी कंट्री से ये शुरू होता है, पूरे अरब कंट्रीज के अंदर जो है ये रेवोल्यूशन फैल जाता है। हम ये देखते हैं कि जो अरब कंट्रीज थी वहां पर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन सबकी कोई बात ही नहीं होती थी। एक छोटी सी कंट्री जो है वो एक तरीके से इन सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए क्या लगा देगी, एक आग लगा देगी। तो देखिए कहानी शुरू होती है आपकी ट्यूनिशिया से। ट्यूनिशिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीका की जो है एक कंट्री है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप ये सब चलता था, ठीक है। यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं चलती थी। तो यहाँ पर डिक्टेटर था कौन, ज़ाइन अल आबिदीन, जो है 1987 से यहाँ पर क्या बने हुए थे, डिक्टेटर जो है वो बने हुए थे। अब यहाँ और यहाँ पे मीडिया जो थी, आपको याद रखना मीडिया को कंट्रोल करा जाता था। मीडिया अपने मीडिया के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं था। मीडिया अपने जो ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट थी जो लोगों के प्रति बिल्कुल काउंटेबल नहीं थी, लोगों की बिल्कुल सुनती नहीं थी, ह्यूमन राइट्स की कुछ नहीं पड़ी थी इस गवर्नमेंट को, ठीक है। लोग जो है वो बहुत वर्स कंडीशन में जो है ट्यूनिशिया के अंदर रह रहे थे। तो यहां हम देखते हैं कि किसी भी इंसान को कोई जस्टिस नहीं मिल रहा था, बहुत खराब गवर्नमेंट जो थी यहाँ की थी। इसी वजह से हम यहाँ देखते हैं कि अरब स्प्रिंग की जो स्टार्टिंग होती है ये ट्यूनिशिया से होती है। ट्यूनिशिया में रहने वाला एक इंसान था मोहम्मद बौजीजी जो था, ये एक बहुत बहुत पुअर इंसान था। 10 साल की उम्र से ये काम कर रहा था, बेचारा फ्रूट सेल करता था, ठीक है। बहुत मतलब वर्किंग कंडीशंस भी जो है वो बहुत खराब थी। एक तो वहां पर फ्रूट सेल करता था, थोड़ा बहुत कमा लेता था, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वहां पे जो फेरी लगाते हैं, तो फेरी लगाने का ये काम करता था, फ्रूट सेल करने का काम करता था। इसने लाइसेंस अप्लाई कर रखा था, ठीक है। फेरी लगाने के लिए भी मतलब गवर्नमेंट से जो पुलिस वाले होते हैं उनसे क्या लेनी पड़ती थी, थोड़ा लाइसेंस वगैरह पूछना पड़ता था। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था पर इसको मिला नहीं था। तो 17 दिसंबर को हम देखते हैं क्या होता है कि 17 दिसंबर को 2011 की ये बात है, 17 दिसंबर को हम देखते हैं कि कोई और जो है उसकी जगह पर फूड सेल कर रहा होता है। तो आके कहता है कि यहाँ से हटो, ये तो मेरी जगह है। पर वो नहीं हटता, वो जो इंसान होता है, और वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस जो है उसकी बहुत इंसल्ट करती है, उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो उससे छीन लेती है, और उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स होती हैं वो तोड़ फोड़ देती है, सब कुछ उससे छीन लेती है, ठीक है। एक तो वैसे ही वो गरीब, उसके पास कुछ नहीं, और वो उसका जो फ्रूट्स का जो सामान था वो भी एक तरीके से क्या करती है, जो भी वो सारा जो है तोड़ देती है। अब यहां हम देखते हैं कि यहां से वो अपने पे क्या करता है, कैरोसिन अपने पर फेंकता है और कैरोसिन फेंककर अपने आप को क्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है, अपने आप को जला देता है। तो यहां से हम देखते हैं 2011 की ये बात है, यहां से हम देखते हैं इसकी जो ये वीडियो थी उस टाइम पे फेसबुक थी, ये वीडियो जो है उसकी वायरल हो जाती है और पूरे अरब कंट्रीज में जो है ये बात जो है फैल जाती है कि इतनी खराब गवर्नमेंट है, इतने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वहाँ के, इतने खराब हैं कि बात सुनना तो छोड़ो और उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, उसके जो फ्रूट्स थे वो भी उससे छीन लिए थे, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं गवर्नमेंट, ट्यूनिशिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने बुलेट्स से लोगों को मारा, कई लोग जो है इसमें मारे गए। कर्फ्यू लग गया, इमरजेंसी लग गई और अली जो था, ये जो जिनका रूल चल रहा था, ठीक है, उनका जो रूल है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब अरब स्प्रिंग जो है ना, इसके अगर आपसे रीजंस पूछें कि अरब ट्यूनिशिया में ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था, तो आपको क्या लिखना है, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत था। डिक्टेटरशिप थी और दूसरा ये बिल्कुल भी काउंटेबल जो डिक्टेटर नहीं था, पावर्टी, बहुत गरीबी से लोग जी रहे थे, बहुत मुश्किल से लोगों की जो बेसिक नीड्स थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट फैली थी, सरकार को कोई लेना देना नहीं था कि देश को कैसे चलाना है, करप्शन फैला हुआ था, लोगों के पास पैसे नहीं थे और वहीं लोग जो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो जो है लोगों से पैसा छीन छीन के एक तरीके से अपनी जिंदगियां बिता रहे थे। लोगों के पास यहाँ पे लोग जो है स्पेशल राइट जो है एंजॉय कर रहे थे, और मोहम्मद बौजीजी जब सुसाइड करता है तो वहां से तो ये जो है चिंगारी लगी जाती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, देखिए पूरी अरब कंट्रीज में इसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए। देखिए सबसे पहले तो ये मूवमेंट पूरे अरब कंट्रीज वेस्ट एशिया में मतलब एक तरीके से फैल गया, पूरा जो ये मूवमेंट था ट्यूनिशिया से पूरे जो सारी कंट्रीज हैं अभी हम पढ़ेंगे वहां पे फैल गया। हौंसी मुबारक याद रखिएगा, इजिप्ट में 1979 से, और ये कब की बात कर रही हूँ मैं, अरब ये जो बात है कब की कर रही हूँ, ये मैं 2011 की, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इजिप्ट में 1979 से हौंसी मुबारक जो है वो रूल कर रहे थे, तो उनको क्या कर दिया जाता है, ओवरथ्रो कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अल्जीरिया में 19 ईयर्स से इमरजेंसी लगी थी, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। सब किसकी वजह से हुआ, अरब स्प्रिंग की मतलब ट्यूनिशिया की वजह से, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन के अंदर किंग अब्दुल्ला को क्या कर दिया, किंग अब्दुल्ला डिसमिस्ड द पीएम एंड हिज कैबिनेट। सऊदी अरब जो है इसको बहुत मतलब वाइजली इसको हैंडल करता है। लीबिया और सीरिया में फिर भी हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, प्रोटेस्ट करने की वहां के लोगों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। लीबिया में तो हम देखते हैं जो आपका शुरू में आपका गद्दाफी था,
ठीक है, इसकी पिक्चर आप देखिएगा गद्दाफी की, उसको उसने जब वहां के लोगों ने, लीबिया के लोगों ने इसके खिलाफ क्या करे, प्रोटेस्ट करे, तो उसने बॉम्ब बरसा दिया अपने ही लोगों पर, और जब प्रोटेस्टर्स पे बॉम्ब बरसा दिए तो फिर उसका क्या हुआ, असैसिनेशन हुआ, लोग इसको पकड़ के लाए बाहर, ठीक है, यूएन फोर्सेज आई थी यहाँ पर हम देखते हैं, और उसके बाद जो है इसका असैसिनेशन हुआ, सारे लोगों ने जो है इसको पकड़ के मार दिया। तो यहां से हमारा स्प्रिंग का जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो ये सारे एडिशनल टॉपिक जो है हमारे हो चुके हैं। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।